जितनी संख्या भारी उसी उतनी हिस्सेदारी, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। निजीकरण बंद करो बंद करो बंद करो, निजीकरण बंद करो बंद करो बंद करो, जनगणना रिपोर्ट आउट करो आउट करो आउट करो, जातीय जनगणना करो करो जनगणना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर श्रीवास्तव। बहनों भाइयों, आपका टीवी सेवन में स्वागत है। दोस्तों, मैं मौजूद हूं कलेक्ट्रेट पर सरदार सेना के कार्यकर्ता आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं। संगठन के प्रमुख हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है प्रमुख मांग आपकी? धन्यवाद पत्रकार साथी। सरदार सेना की तीन प्रमुख मांगें आज हैं जिसके लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। उसमें सर्वप्रथम मुद्दा यह है कि जो अभी एक कानून बनाया गया है महिला आरक्षण का, उसमें ओबीसी कैटेगरी का ध्यान नहीं रखा गया है, उसको ध्यान में रखा जाए, पहला बिंदु ये है हमारा। दूसरा बिंदु ये है कि जातिवार जनगणना सुनिश्चित की जाए, जिससे जिसकी जितनी संख्या उसको उतना हक हिस्सेदारी जो है उसकी सुनिश्चित हो सके। तीसरा बिंदु है वो है जो निजीकरण किया जा रहा है, निजीकरण बंद होना चाहिए, इसको पुनः सहकारी प्रक्रिया में लाया जाए, जिससे सरकार और आम पब्लिक दोनों का जुड़ाव अर्थव्यवस्था में समान रूप से संभव हो सके। मोदी सरकार का कहना है कि जो महिला आरक्षण लाए जा रहे हैं ये 2024 में कारगर साबित होंगे, महिलाओं को हिस्सेदारी मिलेगी, किसी का भेदभाव नहीं होगा, तो ऐसे में आप कहाँ संतुष्ट हैं? नहीं, अभी तो वो बात इसको लागू करने की 2029 में कर रहे हैं, लेकिन तो उसमें जो भी है, जो लिखित प्रावधान या जो कानून बना दिया गया है जिससे 27% ओबीसी को आरक्षण दिया गया है, क्या मोदी सरकार ये सुनिश्चित करेगी 27% क्लियर हो गए हैं? जो क्लियर रूप से लिखा गया है, जब वो नहीं सुनिश्चित हो पा रहा है तो जो नहीं लिखा गया है वो सुनिश्चित क्या होगा, कैसे होगा, इसकी गारंटी कौन देगा? नीतीश सरकार, बिहार सरकार ने पिछड़ों की जातिगत जनगणना करा जी, तो ऐसे में यूपी में जातिगत जनगणना नहीं कराई गई अभी, तो ऐसे में आपकी क्या मांग है? मेरी मांग है कि जातिवार गणना कराई जाए और ये निश्चित किया जाए कि जितनी संख्या जिन लोगों की है उस अनुपात में सभी संस्थानों में हिस्सेदारी भी तय की जाए। हमारे साथ बात कर रहे थे सरदार सेना के प्रमुख, उनका कहना है कि महिलाओं को जितना सम्मान आरक्षण में मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। इन्हीं तीन बिंदुओं को लेकर सरदार सेना के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर अपनी प्रमुख मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, TV7 न्यूज, अम्बेडकर नगर। संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। निजीकरण बंद करो बंद करो बंद करो, निजीकरण बंद करो बंद करो बंद करो, जनगणना रिपोर्ट आउट करो आउट करो आउट करो, जातीय जनगणना करो करो जनगणना।